संपर्क के विषय के मर्मज्ञ हैं, साथ ही मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी, सेवानिवृत्त हिंदी विभागाध्यक्ष, सदस्य नेत्रहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति, तत्पश्चात सदस्य कार्यकारिणी समिति डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी का स्वागत करते हुए, मैं प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि सभागार में उपस्थित विद्यार्थी पांडे जी के पिताश्री मौजूद हैं। पांडे जी आज अपनी चार पीढ़ियों के साथ यहाँ मौजूद हैं, ये बड़े ही हर्ष का विषय है। श्रीमत नारायण पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं, प्राचार्य उनका अभिनंदन स्वागत द्वारा करते हुए एवं आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बाबू जी का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। मैं श्री प्रसाद पासवान जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, इन्होंने भी पांडे श्रीमान जी को सम्मानित करने की इच्छा व्यक्त की है। षड्दोषा पुरुषणेह हातव्याभिमुच्यता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसुत्रता, ये छह दोषों का परित्याग करना हो। दूसरा श्लोक इनका रहता था मातृ पितृ कृताभ्यासो गुणीता मेति बालक, बालक किस तरह की शिक्षा ग्रहण किया है इसमें माता पिता के किए गए अभ्यास का परिचय मिलता है। आज भी उपेंद्र जी ने सही सुझाया कि आज भी भय लगता है, डांट दे तर्जमा कर दे, इस सभा को मैं अपने परिवार के पक्ष से नमन वंदन करता हूँ। इस सभा को मैं उपनिषद के नाम से संबोधित करता था, वाकई ये उपनिषद है जहाँ गुरु और शिष्य एक साथ बैठते हैं, उसी की संज्ञा उपनिषद की होती है। समय बहुत हो गया है, अभिमंच स्थित हमारे पुस्तकालय पर श्री संतोष पुराव जी जो संयोग से अभी विद्यालय के सभापति हैं, हमारे अनन्य मित्र डॉक्टर उपेंद्र शाह कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन हमारे साथ आए सभी मित्रों के प्रतिनिधि, तो ये मेरे लिए मान का विषय है कि मेरे मान के उत्सव में शायद ही हमारे जीवन काल में कोई शिक्षक सेवानिवृत्त हुआ हो और मैंने मंच से चढ़कर के कुछ कहा नहीं हो।
क्यों? ऐसा इसलिए कि जब मैं अकेला था और अस्वस्थ हो गया, इसी मंच से इसी स्थल से भाषण देते हुए पानी जब मांगा तो बहुतों ने शायद बाद में बताया कि आश्चर्य हुआ कि समाजी बोलते समय पानी तो मांगते नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो नेत्रहार विद्यालय माँ बन करके, परिवार बन करके मैंने दो जगह तीन जगह फोन किए, प्राचार्य को फोन किया एम्बुलेंस भेजिए, उपेंद्र जी को फोन किया, राजेश राय जी को फोन किया, अनुरंजन जी को फोन किया, तब तक सारी व्यवस्थाएं हो गई और इसको एक्सक्लूड कर दिया। मुकेश और विमलन जी ने पहुंचा दिया, बच्चा मेरे बच्चे तो रास्ते में थे। तो इस माँ ने अपनी कुक्षी से, जैसे मेरी माँ ने मुझे कुक्षी से जन्म देकर के इतना बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी परवरिश दे दी, दो साल पहले गुजर गई लेकिन अपर पर्याय के रूप में मुझे मां मिल गई नेत्रहाट के रूप में। और इस मां ने जो स्नेह दिया, जो वात्सल्य दिया, वो मैं विद्वान हूं या मैं बहुत विषयों को जानता हूं, मैंने 33 वर्ष 1 महीने 12 दिन की सेवा दी है, उससे इसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है। पिताजी बाबूजी मेरे साक्षी हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि जन्म दे करके और जन्म से लेकर के शिक्षा दीक्षा देना और उसके बाद के जीवन में आज साक्षात की कर्म क्षेत्र में इसने क्या किया, क्या उपलब्धि हासिल की, उसके भी साक्षात प्रमाण बने। सचमुच उपेंद्र जी ने कहा कि ये ईर्ष्या का विषय है, ये रश के जीना है, ये भाग्य पर। तो कहने का तात्पर्य है कि देवियों आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे मित्र अंशुमान जी, श्री रवि, मैं अपने बहुत सारे मित्रों को जी लगा करके संबोधित कभी करता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति मेरा आदर नहीं है, स्नेह नहीं है, सारा कुछ मेरा है, मेरा हृदय उनके साथ। मैं आप लोगों ने हमारे परिवार को आमंत्रित किया और सचमुच में ज्येष्ठ पुत्र ने कहा कि भाई हम स्वागत करने के लिए, आपको ले जाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और सबने कुछ कुछ कहा, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, पोते ने अपनी कुछ वाणी मुखरित की, तीनों पुत्रों ने कुछ कहा, तो वाकई एक सुखद संयोग है। और आज का जो संयोग है इसके विषय में कालिदास के बिना मेरी बात पूरी होती नहीं है। कालिदास ने अभिज्ञान साधुत्तर में लिखा कि याते ततोस्त शिखरम प्रतिरोषधीना, एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, आविष्कृतो रुणपुरः सरये ततोरकः, एक तरफ सूरज आ रहा है, तेजो द्वयस्य युगपत् व्यसनोद्वयाभ्याम लोको नियमयत योदशान्तरेषु, यानी दोनों तेज का। इसका मतलब यह नहीं है कि म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, दो तेज, लेकिन ये दायित्व की बात है। मेरा एक गीत है, पहरे पर विधु को बैठा कर तू मैं चला जला तू दीपक। विधु अपने ऊपर भी सिर्फ बोलेंगे, आपका कालखंड जितना है तो आप में जो संभावनाएं मैंने मूल्यांकन किया है वो अनंत है, तो इसलिए आप अपने ऊपर भी ले और उस चंद्रमा के ऊपर भी ले कि सूरज जाता है तो चंद्रमा आता है, चंद्रमा जाता है तो सूरज आता है। तो आज हमारे पुत्र का शिष्य जो है ये सभाध्यक्ष बने, आज के कार्यक्रम के साक्षी बने। आज तो चंद शेर है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। इल्म से आपने इल्म की जो कवायद है अभी महसूस की होगी, इल्म क्या है, शिक्षा क्या है, तो इल्म के इल्म से वक्त भी नूर फिशां होता है, शम्माए इल्म को जलते देखेंगे, इस चिंगारी को जलते देखेंगे, शिक्षा के दीपक को जलते देखेंगे। जब भी आंखों में नींद सोएगी, बच्चों के लिए है, जब भी आंखों में नींद सोएगी उसमें सपने हजार तीरेंगे, इल्म के बाग में कली जो चटकेगी, कली जब फूटती है फिरती है तो एक छोटी सी आवाज आती है चटकना, चटकना शब्द का पर्याय वाची आप किसी अन्य भाषा में नहीं खो सकते हैं। इल्म के बाग में कली जो चटकेगी, चीड़ों की चांदनी में देखेंगे, रंग फूलों का लूटने के लिए पासवां बन चवन में उतरेंगे,
पासवान का मतलब आप बच्चे जानते हैं, सुरक्षा प्रहरी, प्रहरी बन करके लूटने को उतरेगा। ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है, हम पहरा भी देंगे और लूटेंगे भी आपको, जब के लूटेंगे आप तैयार रहें, समृद्ध होते रहें। इल्म की शोखियों का बंदरिया, आप शिक्षा के अनंत जो भंडार है, जो उसकी अनंत रेखाएं हैं, असीम रेखाएं हैं, उसको पार करें पहुंचे। इल्म की शोखियों का बंदरिया उठ रही हर भंवर से गुजरेंगे, हमने सोचा न था, हमने सोचा न था कभी ऐसे तेरी आंखों से खून को देखेंगे। रस के जीना मुकम्मल रखना, इस पर कहे तुम्हार रस के जीना मुकम्मल रखना, मुतमईन हो कभी तो देखेंगे, निश्चित हो जाएंगे कभी देखेंगे। और इसका अंतिम है, मुंतजिर मैं तेरा बागे जीना, ये तुम्हारा जो सुंदर बाग है, तुम्हारी सुंदर बगिया है, इसका इसकी प्रतीक्षा मुझे हमेशा रहेगी। मुंतजिर मैं तेरा बागे जीना, तेरी दुनिया को फिर से देखें। और बच्चे शिक्षक साधार व्यवस्था के लिए एक शेर है, शजर ए इल्म पर बरकरार नूरे आफताब रहे। शजर ए इल्म, जो आपने कहा कि बरगद है, ये शिक्षा का वृक्ष है, शजर ए इल्म पर बरकरार नूरे आफताब रहे, हर फर्द की आंखों में मुकम्मल सारे ख्वाब रहे। तालिबे इल्म कहते हैं छात्र को, तालिबे इल्म और मुदर्रिस पर आंच ना आए कभी, मुदर्रिस कहते हैं शिक्षक, आप पर कभी आंच नहीं आए, जो संभावना व्यक्त की है हमारे मित्र डॉक्टर रुपेंद्र ने। तो तालिबे इल्म और मुदर्रिस पर न आए आंच कभी, ख्वाहिश ये की गुलिस्ताएं नेतरहाट शादाब रहे। बेपनाह नूर बरकरार रहे, आधे हुनर भी आबाद रहे, तू भी आबाद रहे। इनमें तहजीब पर इल्जाम न आए साथी, ये हमारे मित्रों के लिए, इनमें तहजीब पर इल्जाम न आए साथी, तेरा इकबाल बुलंद रहे, हम रहे आना रहे। सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक संस्कृत गजल भी है, लेकिन संस्कृत गजल आज नहीं सुनाऊंगा, कभी मैं सुना दूंगा। एक हिंदी में गजल है, आप सुन लें। अगर सर झुकाकर विदा तुम करोगे, अगर सर झुकाकर विदा तुम करोगे, तो रुसवाई तेरी हमारी भी होगी। झुकाओ न पलके न आंखें चुराओ, झुकाओ न पलके न आंखें चुराओ, ये तो ही न तेरी ही माफी की। आपके बीच का हूं, मैं आपके बीच हमेशा हूं। संवारा है तुमको गुलों से चमन के, अमन के चमन के, उसको समझना तू सदके। चटकती कली पर अली बन बिचरना, हौड़ा बन करके बिचरना, चटकती कली पर अली बन बिचरना, नहीं तो फजीहत हमारी हम लोग। इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है, सब गौर से सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे। ये मैं शिष्य जी को भेज दूंगा बाद में। पूरब से सूरज की किरणें आ रही है, सघन वादियों में टिकी गा रही है, सजग हो निरंतर सदा। यहाँ निरंतर के बाद जो सदा है वो हमेशा वाला नहीं है, सदा माने आवाज। सजग हो निरंतर सदा सुनते रहना, नहीं तो शिकायत सरेआम होगी। बहुत गंभीर चीज है इसमें, फलक के सितारों से कम मत समझना, कभी हार जीत की गली से गुजरना। अभी क्रिकेट में किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई, तो उस द्वंद से तो गुजरना है, लेकिन उसमें संकेत क्या है, सतर्कता क्या है। फलक के सितारों से कम मत समझना, कभी हार जीत की गली से गुजरना, न मायूस होना न इतरा के चलना, दो नहीं करना, न मायूस होना न इतरा के चलना, चलोगे अगर तो अकीदत होगी, तुम्हारा सम्मान क्या देगा। हरफमान तुझको इबारत जो लिखी गुणों की
किताबें करीने से रखी मुझे बागवा गुल चमन का समझना तभी तो इमारत कोहिनूर होगी। बड़ी कोशिशों से बुजुर्गों ने पाला, हमारे बुजुर्गों का बड़ा अवदान है, बड़ी कोशिशों से बुजुर्गों ने पाला बड़े स्नेह से दीप में स्नेह डाला, अगर दीप माला के नूर को जो खोया तो पूरी तुम्हारी मशाफत न होगी। मशाफत कहते हैं लंबी दूरी की यात्रा। तो आप लंबी दूरी के घोड़े हैं, तन के बैठिए, लंबी दूरी के घोड़े हैं आप, ऐसे नहीं है कि अपनी पीठ पर पीठ डाल करके चलने वाले, हिमालय शिखर एवरेस्ट आकाश। अब हमारे मित्रों के लिए है, उठो साथियों मंजिले हैं तुम्हारी, ये रोटी नहीं है इबादत हमारी, इससे केवल हमें रोटी नहीं मिलती है, इनकी हमें पूजा करनी है। ये रोटी नहीं है इबादत हमारी, चुलुम्पो चुलुम्प मैं कहता हूँ चंचल बालक को, चुलुम्पो की जिल्दे बिखरने न देना नहीं तो मुकम्मल ये फुर्कत न होगी। फुर्कत कहते हैं विदाई को, ये विदाई पूर्ण नहीं होगी, इन पर बड़े ध्यान की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। और अंत में तुम्हारी दुआओं की तासीर ऐसी, तुम्हारी दुआओं की, ये सबके लिए है, सबने दुआ दी है मुझे, मेरे परिवार को दी है, तुम्हारी दुआओं की तासीर ऐसी, सफर की रवानी गुलाबों की जैसी, नहीं जानते हो मोहब्बत है कितनी, नहीं जानते हो मोहब्बत है कितनी, मेरे दिल में तेरी ही तस्वीर होगी। धन्यवाद कहने के पहले संस्कृत की जो गजल है उसका एक अंतिम अंतिम उसकी एक पंक्ति सुना देता हूं। सदा प्रार्थ, ये दोनों दोनों गीत जो है एक ही छंद में है, भजन का प्रयास में आप गा सकते हैं बढ़िया से। सदा प्रार्थ हम गिरा मातरम ताम, मैं वाणी की उस माता को प्रणाम करता हूँ। सदा प्रार्थ हम गिरा मातरम ताम, सदा या प्रसूते सुविद्याम समस्ताम, जदा जन्म जाए तत्रैव जाए, भजे हम भजत्वं सदा नेत्रहाटं, भजे हम भजत्वं सदा नेत्रहाटं। अभी हो गया है मेरे तीनों पुत्र और मेरी दो पुत्र वधुएं यहाँ आई हुई हैं, उन लोगों के प्रति भी मैं आशीष की वर्षा कर रहा हूँ। मेरे पोते पोतियाँ आप लोगों के यहाँ, आप बहुत में से आप लोग ये विद्यार्थी रहे हैं और आपने मुझे संभाला, आप सबने मिलकर के संभाला। मैं सोचता था कभी कभी कि पत्नी का जब ऑपरेशन हुआ तो मैं थोड़ा सा भाव विभोर होता था, अकेला कि आया था तो साथ जाऊंगा क्या अकेला, लेकिन ईश्वर की कृपा और विद्यालय माँ की कृपा जो है वह बनी रही, हम लोग साथ साथ जाएंगे, ये विद्यालय परिवार के लिए मेरे लिए भी खुशी का क्षण है। और अंत में हम अपने बच्चों से आग्रह करेंगे जो हमसे हो सका है उतना तो मेंटेन करेंगे, उसके बाद अगर कुछ अभिष्ट होगा इस विद्यालय को और आपके हक में आपके अधिकार में होगा उससे भी आप विद्यालय के ऋण को चुकता करते रहेंगे। माता जी हैं, माता जी प्रधान माता भी रही हैं, आश्रम माता भी रही हैं, पाठशाला प्रभारी भी रही हैं, कोई बच्चा कोई शिक्षक कहीं भी रांची में आते हैं आप उसी रूप में पाएंगे। मैं आग्रह करूंगा और उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे संभाला, बड़े तरीके से संभाला। मैं पुनः अगर अपने परिवार के किसी भी सदस्य से विद्यालय के की व्यवस्था को प्रशासन को या हमारे मित्रों को अगर कोई आघात पहुंचा हो या बच्चों को कोई चोट पहुंची हो तो हम सादर वंदन करते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं और विश्वास है कि आप क्षमा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, स्कूल को आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति संतोष राव जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी।
जी हमारे अभिभावक तुल्य श्री विंध्याचल जी, माता जी, बाबू जी को चरण वंदन। इतना बृहद परिवार हमारा, शिक्षक वृंद, माताएं, प्यारे बच्चों, बालेश्वर जी, मैं सच कहूं तो अब थक गया, विदाई देते देते मैं थक गया हूं। इतनी विदाई हमने कब सोची नहीं थी, मैं इतना रात में आऊंगा और तुम्हारा शिक्षक सामना देख जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे क्या पाप किया था, मुझे अपने हाथों से देनी पड़ी। मैं बाबू को रहा हूं, मैं तुम्हारा पति से नहीं बचा रहता क्या, मुझे इसमें कष्ट निकाले मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, तो तुम्हारा पीड़ा हो जाएगी। मैं कैसे विद्यालय चलाऊंगा, रोज एक बार मेरा दिल भरा है, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूं। क्या मैं इसी जिंदगी में इतना अटकाया था, एक एक करके सारे तरकस सारे अच्छे शिक्षक चले जा रहे हैं, मैं कैसे बेचारे को संभालूं, इतना दबाव रहता है उस पर। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मुझे विद्यालय संचालन के लिए जल्द से जल्द शिक्षक दें, कर्मचारी दें, ताकि मैं बच्चों की ठीक से परवरिश कर पाऊं, ठीक से देखभाल कर पाऊं। अब कर्ज की सीमा हमारी टूट रही है, मेरे पास असली सहयोग है लेकिन वो सब टूट रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसमें सहयोग करें। पांडे जी आप ये वक्त ये सब वापस ले, मैंने आपको खेला, मैंने हमेशा आपने आपने अपना अभिभावक को देखा है और आपने हमेशा मुझे सहयोग किया है। न केवल आपने बल्कि आपकी पीढ़ी के जितने भी लोग रहे सब लोगों ने मुझे सहयोग किया, छोटे भाई के तौर पर लिया। मुझे याद है कि जब मैं साक्षात्कार दे रहा था रांची में, तो उससे पूछा गया था कि वहाँ बहुत सारे सीनियर शिक्षक होंगे, आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि आप उस पर भरोसा करें, कहीं कोई स्थिति खराब नहीं होगी, और मुझे लगता है कि मैं उस प्रयास में सफल हुआ हूँ। और आप लोगों ने मुझे सफल बनाने में जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसकी मैं कभी तुलना नहीं कर सकता किस चीज से। नेत्रहाट से जो कुछ मुझे मिला है, आज भी जो मुझे मिल रहा है वो अमूल्य है, मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। लेकिन अब सभापति आए हैं, मेरे ही नाम स्वरूप है, यंग है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि आज मंच में उन्हीं को दूं, आप उन्हीं को सुने और हम लोग आगे की दिशा को तय करें। मैं हाथ जोड़ करके पांडे जी से, उनके पूरे परिवार से क्षमा चाहता हूं कि अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल हुई हो, मानव कर्म में हूं ऐसा हो सकता है, तो आप जरूर क्षमा करेंगे, अपने रत्नेश जैसा ही समझेंगे और इस विद्यालय को आप अपना विद्यालय ही समझते रहे। मैं तो विगत केवल 4-4.5 वर्षों से हूं, आपने यहाँ एक लंबा युग जिया है और आपके जाने के बाद एक युग समाप्त हो रहा है। इस युग की भरपाई फिर आगे कैसे होगी, मैं सभापति से उम्मीद करता हूं कि विद्यालय को आपके हाथ में सौंपा गया है, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप उस पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर के विद्यालय को आगे चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और विद्यालय को उस गौरवान्वित स्थान पर पहुंचाएंगे जिसका अधिकारी विद्यालय है। बहुत विलंब हो चुका है, मैं भावुक हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। इस विद्यालय ने मुझे ज्यादा भावुक बनाया है, अन्य विद्यालयों में इतना भावुक नहीं होता था, बिल्कुल परिवार है हमारा और आज मैं अकेला हूं तब भी मुझे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि आप सब परिवार हमारे साथ है, बच्चे हमारे साथ है। बच्चे आप जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, जहाँ परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं आप सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही आप लौट करके आते हैं फिर हम लोग मनोयोग से लगेंगे और प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर परिणाम दे सके। एक बार पांडे जी के पूरे भविष्य के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। मुझे रांची आने का अवसर जरूर मिलता है, मैं आऊँगा, आपके परिवार के सदस्य के साथ हमेशा रहूँगा,
आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, श्रीमान जी, विनेश्वर पांडे जी, माता जी, उपेन्द्र प्रसाद जी, उपस्थित शिक्षक शिक्षिका छात्रगण कर्मचारीगण, ये एक संयोग के लिए या क्या कहें सब नहीं मिल रहे मुझे। जिस दिन मैं इस समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया उसी तिथि को विनायक श्रीमान जी सेवानिवृत्त हुए। यहाँ आज भले कार्यक्रम चल रहा हो विधायक का, लेकिन दिन तिथि एक ही था, किस तारीख को, जब मैं यहाँ पर फोर्थ ईयर पहुँच गया था उसी समय विनायक श्रीमान जी का आगमन हुआ था। ये लोग करीब 10 शिक्षक एक साथ आए थे, स्वागत किया था हम लोगों ने सम्मेलन में। आज वो दिन है कि मैं उनको विदाई करने के लिए आया हूँ, तो ये भावुक क्षण जो है शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारे जो हमारे बीच से शिक्षक या छात्रों ने जो अपना भावना व्यक्त किया, कभी कभी बीच में माहौल गमगीन हुआ, बीच में कुछ बातों को सुधारने का प्रयास किया गया कि भाव मतलब और गमगीन ना हो। यहाँ जो भी जो आए हैं शिक्षक हो या छात्र हो, सेवा समर्पण और त्याग की भावना लेकर, कितने त्याग के बाद में शिक्षक यहाँ पर जो रहते हैं और छात्रों को जो अपना माता जी हुए या जो भी सभी मिलकर छात्रों को अपने अपने साथ पुत्रवत रखते हैं, ये परंपरा और कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलता है। जो छात्र आप जितना भी आगे अपने भविष्य में अपने जीवन में जो हासिल करते हैं, शिक्षक उतने ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक गुणवत्ता को देख के हम लोग को जो सम्मानित किया गया, एक गुणवत्ता शायद इसी बढ़िया का है, इसमें कई तरह के फूल सजे हुए हैं। आप ही इसमें रहाट जो प्रकृति के गोद में बसा है, इसी बढ़िया के आप फूल हैं, जिसको सींचने का, बीजारोपण करने का या उसको सींचने का काम हमारे जो शिक्षक हैं इन लोगों को सौंपा गया है, जो आप लोग एक साथ में समय हर समय साथ रखते हैं। जो बच्चे जो बाहर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, इन लोगों को घर की कमी महसूस ना हो, ये यहाँ पर एक जो अच्छी परंपरा है सभी को सम्मान के साथ में बोलने की, जी ये बहुत बड़ा शब्द है। आप बाहर निकल जाएगा तो ये सब मिलता नहीं है बोलने को। हम एक माली को भी बोलते हैं तो माली जी, धोबी जी, मोची जी, मतलब हर किसी को हम लोग उसके आगे में जी लगाते हैं, एक सम्मान देते हैं। ये परंपरा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। दूसरा एक शब्द है नमस्ते। कभी रास्ते में कोई हम सबसे अनुज जो मिलते हैं, नमस्ते संतोष जी या नमस्ते करके जैसे संबोधन, नमस्ते श्रीमान जी, नमस्ते बोलने पर ही समझ में आ जाता है कि जरूर मेरा हाथ का होगा। तो ये सब जो परंपराएं हैं तो ये आगे भी कायम रहे, और हमारी बहुत सारी बातों को उपेन्द्र श्रीमान जी ने कह दिया है कि छात्रों से और शिक्षकों से विद्यालय का निर्माण होता है, और उस परंपरा को हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि आगे और ऊंचाई छुए। जिस तरह से बोला गया कि वो जवान हैं, यंग हैं, चाहे जो भी के लिए हमारी पूरी सामर्थ्य रहेगी, लेकिन बिना आपके सहयोग के ये मुमकिन नहीं होगा। आपका सहयोग हमेशा हमें जरूरत पड़ेगा, चाहे शिक्षक के रूप में हो, छात्रों का भी सहयोग चाहिए। कि जब तक आप अपने शिक्षकों के साथ में अपनीयता नहीं रखेंगे और शिक्षक भी जो है छात्रों साथ अपनीयता नहीं रखेंगे तो ये संभव नहीं है। हमारे कर्मचारी भी जो है वो भी दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए,
इस विद्यालय के लिए जिस पठार पर कभी कभी कल्पना किया गया था कोई अंग्रेज थे, उन्होंने वो कल्पना किया और उन्होंने इस जगत पर जो शिक्षा का जीव जाने का जो प्रण किया और रखा, यह प्रण आगे भी टूटनी नहीं चाहिए, आगे इसको और समृद्ध बनाए और आगे इसको ऊंचाई तक ले जाएगा। हमारी जो भी जो हमसे जो भी उम्मीद आप लोग किए हैं उस पर खराब करने का भरसक कोशिश करूंगा, हर संभव मेरा प्रयास रहेगा, आपके बीच रहूं। यहां से मुझे निकले हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं, 93 में पापा से निकला था, 93 के बाद में भी बीच बीच में मैं बराबर आता रहा, नहीं पढ़ने भी 2-3 साल में मैं आता रहा, 15 बार आ चुका हूँ। अब एक जिम्मेवारी के साथ में, कर्तव्य बोध के साथ में मुझे आना पड़ेगा, उससे भी मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा, आऊंगा जरूर। पहले जब नहीं था कुछ, एक अधिकार के साथ आता था कि मैं अगर रोटी खा रहा, उस अधिकार के साथ में आया, ये 15 नवंबर नहीं कभी भी मौका लगा कि नहीं, मुझे निराट का जो आकर्षण था, जो खींच रहा था, उस खिंचाव ने मुझे यहाँ तक आने के लिए हमेशा बात किया, मैं लगातार आता रहा। आगे तो शायद इसका जो ये समय काल है वो कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी भी आना पड़ेगा, आऊँगा जरूर आऊँगा। ज़्यादा कुछ समय नहीं लेता हूँ, श्रीमान जी विनय कॉलेज को आज जो जा रहे हैं उनके आगे के भविष्य के लिए, हमसे ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, मैं रांची में ही हूँ और इनसे संपर्क में रहूँगा, आशीर्वाद देता रहूँगा। उपेंद्र जी भी मालूम नहीं था कि रांची में ही रहते हैं, इनसे भी अब तो मेरे समिति में सदस्य हैं, सरकारी समर्थक सदस्य हैं, तो इन लोगों का मार्गदर्शन समय समय पर लेता रहूँगा और सभी को हम मैं चाहूँगा सभी हम लोग मिलजुल कर ही इस विद्यालय को एक नया आयाम दें और इस कड़ी को यही विराम देते हैं। श्रीमान जी को मैं बस उसके भविष्य के लिए आगे क्या भविष्य के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम अपने खार क्षेत्र में बहुत ऐसे पड़ावों से गुजरते हैं जहाँ अच्छे बुरे सब कुछ मनुष्य के जीवन में झेलने पड़ते हैं, लेकिन हम तो उन्हें देखना नहीं चाहिए, हमें आगे की जिंदगी जीनी होती है। आप भी रांची जा रहे हैं, मैं भी रांची में ही जाऊँगा, तो तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे ना रुकी मंजिल आसमां, चलती रहे जिंदगी, तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। एक राउंड पनीर का सब्जी और किए थे लेकिन लगाया नहीं, बात आपसे हो नहीं पाई, दोनों नंबर पर ट्राई की। Gracias.
तो मिठाई है, पनीर है। Thank you.